नमस्ते, कैसे हैं सब आप लोग। चलो आज हम बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के बारे में। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन कैसा ड्रा करते हैं, अप ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करते हैं, डाउन ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करते हैं, मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली बता दूंगा सिंपल और इजीएस्ट वे में। तो जो भी इस ट्रेडिंग के अंदर नया आया होगा तो उसे पता ही नहीं होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रा कैसे करते हैं करके, तो मैं आपको अब बता दूंगा। तो इस वीडियो को आपको इंपॉर्टेंट लगी होगी तो आपका कोई भी दोस्त होगा, फ्रेंड होगा, कलीग होगा तो ट्रेडिंग करना चाहेगा तो उसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के बारे में पता नहीं है, तो इस वीडियो को आप उसको उस तक शेयर कर सकते हो। तो इस वीडियो से आपको कंप्लीटली नॉलेज मिल सकती है। अच्छा, तो ये है बेसिक नॉलेज बोलते हैं इसे। तो देखिए, आपको इस इंट्राडे के अंदर जो निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आपको लेवल्स तो 15 मिनट के अंदर ही मार्क करना पड़ेगा। अच्छा, देखिए आपको सपोर्ट लाइन कैसे ड्रा करते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल में टूल्स में हॉरिजॉन्टल है तो इधर तो आपको एक्चुअली दो बॉटम को कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, तो हम दो बॉटम कनेक्ट कर लिए तो सपोर्ट हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि मार्केट हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं करके। अच्छा, तो देखिए इधर मार्क करके बता दूंगा आपको, ये हो गया हाईलाइट। अच्छा, तो देखिए इधर भी सपोर्ट ले गया मार्केट, सीधा बाउंस बैक मार गया। अच्छा, इधर भी सपोर्ट ले गया। अच्छा, तो सपोर्ट ले गया तो हमारे लेवल वर्क कर रहे हैं, तो पीछे भी देखते हैं ना। अच्छा, इधर देखिए इधर भी सपोर्ट ले गया, इधर भी सपोर्ट ले गया, मार्केट ऊपर चला गया, बाउंस बैक ले लिया, तो हम और पीछे जाएंगे। अच्छा, देखिए इधर भी है ना, इधर भी सपोर्ट ले गया, इधर भी सपोर्ट ले गया, इधर भी हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया, तो और पीछे और एक देख लेंगे तो काफ़ी लंबा है वीडियो। अच्छा, देखिए इधर इधर तो नीचे से ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट दिया, तो मार्केट सीधा ऊपर चला गया। अच्छा, तो अब हो गया हमारा, उसको ट्रेड कर देंगे, अब हो गया हमारा सपोर्ट लाइन। तो अब चलते हैं रेजिस्टेंस की तरफ। अच्छा, तो रेजिस्टेंस, हाँ, सपोर्ट के लिए हम क्या क्या ड्रॉ किए, जैसे दो बॉटम कनेक्ट किए तो हमारा हो गया है सपोर्ट। तो अब एक्चुअली ऐसे ही हॉरिजॉन्टल टूल्स में गए, हॉरिजॉन्टल लाइन कनेक्ट किए, तो एक्चुअली हमें दो टॉप कनेक्ट करने होंगे, जैसे दो टॉप जैसे कनेक्ट करते हैं, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लाइन। अच्छा, तो इसे भी हम बैक टेस्ट करते हैं कि जैसे रेजिस्टेंस लाइन भी वर्क कर रहा है या नहीं करके, मार्क करके दिखा दूंगा। देखिए इधर से इधर रेस्पेक्ट किया, सीधा डाउन फॉलो गया। अच्छा, और इधर भी सपोर्ट ब्रेक किया, रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो नीचे आया, तो फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, इधर से पूरा नीचे आ गया। अच्छा, तो इसे बोलते हैं मार्केट ट्रैपिंग। इधर आया आपका एसएल हिट हो गया, इधर एसएल बता देता हूँ, आपका एसएल इधर रहता है, पैसा लेता रहता है, सेलेक्ट करके सीधा आपका टारगेट हिट हो गया, है ना। दो हो गया और तीसरा देख लेंगे, इधर भी हो गया, इधर भी जैसे है रेजिस्टेंस ब्रेक किया, सीधा सपोर्ट तक चले गया, इधर भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा। इधर से देखेंगे, देखिए इधर तो हम पिछले बार ही मार्क किए थे, ये हो गया। देखिए जैसे इधर से ब्रेक किया, सीधा नीचे आ गया। अच्छा, तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं, आगे हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन क्या होता है करके। अच्छा, अब ट्रेंड लाइन और डाउन ट्रेंड लाइन करके। देखिए डाउन ट्रेंड लाइन किसे बोलते हैं, जैसे मार्केट सीधा नीचे आता है ना तो उसे बोलते हैं डाउन ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड बोलते हैं। जैसे सीधा मार्केट अप जाता है, देखिए इधर बता दूँ, ये मार्केट बोलते हैं हम सीधा इसको, अब ट्रेंड लाइन बोलते हैं। अच्छा, तो डाउन ट्रेंड है ना, ये अप ट्रेंड हो गया, और देखिए इधर गया है। अच्छा, इसको बोलते हैं सीधा डाउन ट्रेंड लाइन, तो डाउन ट्रेंड हो गया, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो इसको लेवल्स इसके कैसे ड्रॉ करते हैं तो मैं बता दूंगा आपको। आपको टूल्स में जाना पड़ेगा सिंपल, देखिए इधर जाने का और ट्रेंडिंग लाइन करके है इधर, आपको एक्चुअली सिर्फ दो हाई कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे पर जैसे हम सपोर्ट के लिए दो टॉप और दो लो कैसा सेलेक्ट किया ना, तो हम इसको ऐसे ही, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लाइन, अब ट्रेंड रेजिस्टेंस बोलते हैं, अब रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब हम क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, सपोर्ट। देखिए ये हो गया हमारा अब ट्रेंड लाइन और डाउन ट्रेंड लाइन, इधर दिखा देता हूँ मार्केट। देखिए इधर से रेस्पेक्ट किया, सीधा ऊपर गया,
इधर रिस्पेक्ट किया, सीधा ऊपर गया। इस रेंज के अंदर ही जो खेलता है ना, जैसे इस रेंज के अंदर जो खेलता है ना, तो इसे बोलते हैं ट्रेंड। अच्छा, और डाउन ट्रेंड है ना, देखिए अब आप ट्रेंड तो हो गया, आप डाउन ट्रेंड की लेंथ मारिए। अच्छा, सेम ट्रेंड में जाना पड़ेगा, सीधा एक टॉप टू डाउन, टॉप टू डाउन। अच्छा देखिए, ये हो गया है रेजिस्टेंस, अप रेजिस्टेंस, और जाना चढ़ेगा ट्रेंड में। दो लो कनेक्ट, तो एक्चुअली सिर्फ दो लो कनेक्ट हुआ तो उसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। अच्छा, तो इधर देखिए कितना अच्छा रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, इधर से सीधा आया नीचे चला गया, जैसे इधर से सपोर्ट लिया, इधर रेजिस्टेंस लिया, इधर सपोर्ट लिया, इधर रेजिस्टेंस लिया, इधर सपोर्ट लिया, इधर रेजिस्टेंस लिया, इधर आगे ब्रेकआउट हो गया। अच्छा, तो आपको होपफुली इस वीडियो को बहुत पसंद आई होगी, तो इधर से आपको बहुत नॉलेज भी मिली होगी। आपको आगे से जिस वीडियो के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर बता दीजिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी, आपको इससे फ़ायदा आएगा। अच्छा, गुड बाय।